तो हाय फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे के टी एम आर सी 390 नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। ये अपनी जो है कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने वाली है, इंडिया में कब लॉन्च करेगी इस वीडियो में हम पूरा आर्टिकल से बताएं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसकी कुछ स्पॉट पिक जो है कैप्चर हुई है, जो कि आप अपने स्क्रीन बहुत ही क्लियर देख सकते हैं। इसकी कुछ पिक्स जो है कि वो पहले थी, पर वो इंडिया में जो है कि इसकी स्पॉट नहीं की गई थी, वो अदर कंट्री से थी। तो पहली बार जो है कि इंडिया में जो है स्पॉट की गई है, आप अपने स्क्रीन पर जो है बहुत क्लियर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिज़ाइन की। तो आपको जो है इसमें बिल्कुल अपडेटेड न्यू डिज़ाइन मिल जाएगी। अब अगर लाइटिंग की बात करो, आपको इसमें LED DRL हेडलाइट मिल जाएगी। इसकी जो सभी लाइट रहेगी आपको LED मिल जाएगी, एंड टर्न इंडिकेटर भी आपको इसमें LED मिल जाएगी। अगर मीटर की बात करें तो आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा। अगर बात करें इसकी इंजन की, तो आपको जो है पहले की जैसे आपको 370cc की सिंगल सिलेंडर लिक्विड फ्यूल इंजन मिल जाएगी। पावर की बात करें तो 42 HP का आपको पावर देगी। अगर यही बात करें इसकी टॉर्क की, 30 Nm की आपको टॉर्क मिल जाएगी विथ 6-speed गियर बॉक्स के साथ। अब आपको जो है कि इसमें स्लीपर क्लच भी मिल जाएगा। अगर बात करें इसकी फ्यूल टैंक की, तो इसकी जो है फ्यूल टैंक है पहले जो है कि ज़्यादा बड़ी दे दी है, ताकि इसके टैंक में अगर आप फ्यूल डलवाते हैं फुल, तो आपको ज़्यादा रेंज दे सके। टॉप स्पीड एंड माइलेज की तो अभी तक रिवील्ड कुछ हुआ नहीं है कि कितना टॉप स्पीड देगी, वो माइलेज का कितना रहेगा। अगर लॉन्च की बात करें तो इसी साल 2021 में लॉन्च हो जाएगी, मई या जून के मंथ में। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस भी इसका जो है अभी तक रिवील्ड नहीं हुआ है। तो इस बाइक से रिलेटेड अभी तक हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन था, मैं आपके साथ शेयर किया। अगर इस बाइक से रिलेटेड हमारे पास और इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम वीडियो बना के आप सबके लिए जरूर शेयर करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जो है बाइक से रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।